नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। रामगढ़ बाई इलेक्शन पूरी तरीके से अब तेजी में है, चूंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा होने के बाद अब कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे भी राजधानी रांची पहुंच चुके हैं और यहां पर अब वो सीधे यहां से रामगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर तमाम ग्रामीण और शहरी जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ बैठक करेंगे और रामगढ़ बाई इलेक्शन के लिए रणनीति जो है और पुख्ता तरीके से बनाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि अविनाश पांडे यहां पर दो दिवसीय दौरे पर आए हैं रामगढ़ बाई इलेक्शन को देखते हुए, चूंकि वो स्टार प्रचारक है और वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर के अपनी बातें जो है वो उन्होंने यहां पर एयरपोर्ट पर रखी है। सीधे सुनिए आखिर अविनाश पांडे ने रामगढ़ बाई इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ कहा है। मैं विशेष रूप से आज रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए मैं प्रचारक और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी है कि रामगढ़ में कांग्रेस, जेएमएम, जेडीयू और हमारे अन्य सभी सहयोगी दलों का जो कैंडिडेट हैं उनके विजय श्री हासिल करने के लिए और जिस स्थिति में ये चुनाव कंपलसरी लादा गया है, ये आप सब समझते हैं कि आज खुले रूप से ये जो लड़ाई है ये न्याय और अन्याय के बीच में किस प्रकार से गवाहों को भटकाया जाता है, किस प्रकार से गवाहों को बदला जाता है, किस प्रकार से निर्णय को गलत तरीके से पेश कर कर एक ऐसी नेत्री को जो जनता के विषयों को लेकर जनता को न्याय दिलाने के लिए जिसने नेतृत्व किया, उस नेतृत्व के बदले उनको 5 साल की सज़ा दे दी गई। और उसी के विरोध में आप देखेंगे कि ऐसे भी निर्णय झारखंड में भी हुए हैं और अन्य राज्यों में भी हुए हैं जहां पर भाजपा के जनप्रतिनिधि घोर आपराधिक फैसलों में, आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी सजा अगर दी गई है तो उसकी संख्या आप देख सकते हैं, कहीं पर 18 महीने हुई, कहीं 12 महीने हुई, कहीं 9 महीने हुई, कहीं जमानत दे दी गई। एक सभी लोग देख रहे हैं कि हम जिस न्याय प्रणाली पर विश्वास रखते हैं उस न्याय प्रणाली के प्रति भी थोड़ी सा दुख होता है कि सही मापदंड पर देते हुए और जनप्रतिनिधि को जिसको 5 साल के लिए चुना गया है उसके ऊपर अन्याय करते हुए, और जिस अगर मैं ममता देवी जी का उदाहरण लूं तो जिस महिला का महीने भर का बच्चा हो, दूध पीता बच्चा हो, उसे निर्णय देने के पहले ही 8 दिन पहले जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये सब चीज़ें जनता के ऊपर एक आक्रोश पैदा करती है, जनता के मनों में एक आक्रोश पैदा करती है। और जो न्याय प्रणाली है उसका सम्मान करते हुए मैं पुनः कहना चाहूँगा कि देश की में जिस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं यह सब चिंतनीय है। रामगढ़ का चुनाव झारखंड की राजनीति के लिए अति महत्वपूर्ण है और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि न्याय और अन्याय के बीच का फैसला यहाँ की जनता लेने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं बजरंग भाई, उनको जनता का, ममता जी के त्याग का, बलिदान का और सभी लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी बहुमतों से चुन। तो आप लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से अविनाश पांडे को सुना, जिनका स्पष्ट कहना है कि रामगढ़ बाई इलेक्शन में यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम जो गठबंधन दल है उनका शुक्रिया अदा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी तरीके से तमाम गठबंधन का समर्थन जो है वो यहाँ पर बजरंग महतो को मिल रहा है और साथ ही साथ उनका कहना है कि रामगढ़ बाई इलेक्शन जो न्याय और अन्याय के लिए यहाँ पर हो रहा है और रामगढ़ की जनता ज़रूर सच का साथ देगी, ममता देवी का साथ देगी, यानी बजरंग महतो को यहाँ पर वोट करेगी। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।